children, welcome you all in today's English online class. Dear students, yesterday we have done topic use of is, am and are. कल हमने is, am, are का use क्या किया था सीखा था, ठीक है? कि is, am, are का use कहाँ होता है? तो is, am, are का use present के लिए होता है. ओके, is का use he, she, it, this, that and singular noun के साथ होता है. am का use सिर्फ I के साथ होता है. and are का use you, we, they, these, those और plural noun के साथ. so today our topic is use of has, have. आज हमारा topic है use of has, have. ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर एंड यूज ऑफ हैज हैव में क्या है, काफी सिमिलैरिटी. तो आज हम जानेंगे कि हैज का यूज कहाँ होता है एंड हैव का यूज कहाँ होता है. सो लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुल. आई हैव रिटन हियर हैज. पहले हम देखेंगे कि हैज का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. हैज इज यूज्ड विद ही, has is used with she, has is used with it and has is used with singular noun. singular noun means one noun. noun means person, place, animal, thing. ठीक है, singular noun means या तो one person हो या one place हो या one animal हो या one thing हो, तो हम किसका use करेंगे, has. He has, she has, it has and singular noun means या तो किसी person का name होगा या किसी one place का name होगा या one animal का name होगा या किसी one thing का name. Okay, so let's take some examples. So first of all we will see use of has with he. Number one, he has a red car. उसके पास क्या है, एक red car. He has a red car. Okay, he के साथ हमने क्या किया, use किसका किया, has. Number two, she has long hair. उसके hair कैसे हैं, long. He हम use करते हैं boy के लिए, one boy के लिए, और she हम यूज करते हैं वन गर्ल के. she has long hair, उसके हेयर कैसे हैं, लॉन्ग. तो यहाँ पे हमने has का यूज she के साथ किया. नेक्स्ट इज, इट हैज अ होल नियर द डोर. डोर के पास क्या है, एक होल है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, has का यूज it के साथ किया है. इट का यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. इट हम कहाँ यूज करते हैं, किसकी जगह पे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज होता है. ठीक है, एनिमल्स बर्ड्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं. नेक्स्ट इज, सीमा हैज टू ब्रदर्स. सीमा के टू ब्रदर्स हैं. लुक हियर, यहाँ पे मैंने कहीं सीमा राइट किया है, नहीं है ना. तो सीमा क्या है, नाउन. ठीक है, सिंगुलर नाउन राइट किया हुआ है, तो सीमा क्या है, वन नेम है, वन पर्सन का नेम है, तो सीमा क्या हो गया, सिंगुलर नाउन. तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज कर दिया, हैज. ठीक है, सीमा वन पर्सन का नेम है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया. तो सीमा के साथ वन नेम मीन्स वन, वन नेम हो तो सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो सीमा के साथ यहाँ पे क्या किया है हमने, हैज का यूज. नेक्स्ट इज, राहुल हैज मैनी टॉयज. राहुल के पास बहुत सारे क्या है, टॉयज. अब राहुल भी क्या है, राहुल सिंगुलर. वन पर्सन का नेम है राहुल, तो राहुल क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज कर दिया, हैज यूज कर. ठीक है, तो हैज का यूज कहाँ होगा, ही के साथ होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ होगा एंड सिंगुलर नाउन. ही हैज अ रेड कार, शी हैज
has long hair. It has a hole near the door. Seema has two brothers. Rahul has many toys. Understood? Now we will see where we can use have. ये have हम कहाँ use कर सकते? Look here, we can use have with I, with we, you, they and plural noun. Have का use हम I के साथ कर सकते हैं, we के साथ कर सकते हैं, you के साथ कर सकते हैं, they के साथ कर सकते हैं and plural noun means more than one noun, एक से ज्यादा noun. Noun क्या है? More than one person, more than one place, more than one thing, more than one animal. ठीक है, एक से ज्यादा person हो, एक से ज्यादा animal हो, एक से ज्यादा things हो या एक से ज्यादा places हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? Have का use करेंगे. Okay? I have, we have, you have, they have or any noun. Okay, any plural. So let's take some example. First of all, I के साथ हम have का use करेंगे. I have a blue bag. मेरे पास क्या है? एक blue bag. तो I के साथ हमने किसका use किया है? Have. I के साथ क्या use होगा? Have. Number two, अब हम देखेंगे we के साथ have का use. We have many toys. हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे क्या है? टॉयज. तो वी हैव मैनी टॉयज. हैव का यूज यहाँ पे क्या किया है हमने? वी के साथ किया. नंबर थ्री, यू के साथ अब हम हैव का यूज करेंगे. यू हैव अ कलर बॉक्स. तो आपके पास क्या है? एक कलर बॉक्स. तो यहाँ पे हैव का यूज किसके साथ हुआ है? यू के साथ. You have a color box. तो you के साथ किसका use होगा? Have का use होगा. Number four, they have many story books. उनके पास बहुत सारी क्या है? Story books. ठीक है, तो they के साथ हमने किसका use किया है? Have. Next is Aman and Ashu have a pet dog. अमन और आशु के पास एक पेट डॉग है. लुक हियर, अमन एंड आशु टू नेम्स हैं, टू पर्सन्स के नेम है. अमन वन पर्सन, आशु वन पर्सन. कितने पर्सन हो गए? टू पर्सन. तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन. अमन एंड आशु टू नेम्स हो गई हैं, तो ये प्लूरल नाउन हो गया है. प्लूरल नाउन हो गया है तो हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज. अगर यहाँ पे वन नेम होता तो किसका यूज करते? हैज का यूज करते. अगर टू नेम्स है तो किसका यूज करेंगे? हैव का यूज. अमन एंड आशु हैव अ पेट डॉग. अमन और आशु के पास क्या है? पेट डॉग है. तो हैव के आई के साथ हैव का यूज होगा, वी के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ हैव का यूज होगा, दे के साथ हैव का यूज होगा और एनी वी मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन एनिमल्स, इनके साथ क्या होगा? हैव का यूज होगा. आई हैव अ ब्लू बैग. वी हैव मैनी टॉयज. यू हैव अ कलर बॉक्स. दे हैव मैनी स्टोरी बुक्स. अमन एंड आशु हैव अ पेट डॉग. ठीक है, तो हैज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होगा. Have का यूज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द